चोला इन्वेस्टमेंट पे कह रहे हैं कि काफी सारा बुलिश है, आपको ऐसा लगता है क्या? चोला चोला फिनेंस, हाँ, चोला फाइनेंस ही होगा, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट्स के नाम से कंपनी है, चोला फिन के नाम से उसका कोड है। और कह रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे, हाँ ऑल टाइम हाई पे तो है ही। जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी है। उन्होंने एकदम ही राइटली स्पॉट किया है, 700 के ऊपर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और ये सिर्फ डेली में नहीं, वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पिछले हफ्ते देखने को मिला है। ये स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करने का माने क्षमता रखता है, और मुझे लगता है जब तक ये 650 के ऊपर है वीकली चार्ट, इसका पॉजिटिव रहेगा। 700 भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बन जाएगा, क्योंकि वही रेजिस्टेंस था, वही अभी सपोर्ट का काम करेगा शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक ये 700 के ऊपर है, डेफिनेटली अपसाइड में इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम 100 पॉइंट्स का बनता है, यानी 800, 820 के लिए तो आप डेफिनेटली इसमें प्ले कर सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है स्टॉक का। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। और उनका जो ऐसा अनुमान है कि वो कह रहे हैं कि 70% और ऊपर यहाँ से जा सकता है, आपको ऐसा लगता है सर, इतनी तेजी पकड़ सकता है अभी भी? सर, वीकली चार्ट में इसका जो डबल बॉटम फॉर्मेशन है वो उसका मैं अगर रेंज निकालूं तो 470 डाउनसाइड में दो बॉटम है, और अपसाइड में जो वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया है वो 660, यानी 450 से आप 200 पॉइंट्स पकड़ के चलिए। मुझे लगता है 850 इसका प्रोबेबल टारगेट बनता है, अगर मैं टारगेट प्रोजेक्ट करने का कोशिश करूँ ऑन टेक्निकल टर्म्स। 70% का पता नहीं, लेकिन 850 तक ये स्टॉक डेफिनेटली जा सकता है। ठीक है, तो पहला लेवल जो सौम्यदीप जी को दिख रहा है वो है, और बाकी सबके अपने अपने एनालिसिस, अपने अपने तरीके से देखने का नजरिया।